हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन हिंदी व्याकरण में आज हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना की। हम आपको बताएंगे कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना होगी, सर्वनाम से कैसे होगी, क्रिया से कैसे होगी, विशेषण से कैसे होगी और बताएंगे अव्यय से कैसे होगी। हम आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको बताया था संज्ञा के बारे में। हमने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का जो बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। हमने बताया था आपको संज्ञा के प्रकार कि संज्ञा के प्रकार यानी भेद, तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आप कहोगे कि सर हमने तो पाँच पढ़े हैं। हाँ, जिस तरह से इंग्लिश में पाँच टाइप हैं उसी प्रकार कुछ विद्वान हिंदी में पाँच टाइप मानते हैं और कुछ विद्वानों को मानना है कि वो जो दो बच गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो जातिवाचक के ही हैं। यानी अगर हम आपको बताएं तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा यानी संज्ञा के पांच भेद हैं। बात करें व्यक्तिवाचक की, जो व्यक्ति विशेष के बारे में बताए कि पूरी जाति का बोध कराए वो जातिवाचक। हमने आपको बताया था द्रव्यवाचक में धातु, खनिजों के नाम, खाद्य पदार्थ आदि द्रव्यवाचक में आते हैं। वही हमने बताया था समूहवाच्य में, जो एक समूह का बोध कराए, और भाववाचक संज्ञा जिसके माध्यम से किसी भाव, दशा, गुण का बोध हो, जैसे लोभ, क्रोध, बुढ़ापा, जिसे छुया ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आज उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह से भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। चलो हम बताते हैं आपको अब कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे बना जाएगी भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले माता एक जातिवाचक संज्ञा है, इसे मातृत्व। दानव, दानवता, यानी दानव एक जातिवाचक संज्ञा है, इसे प्रत्यय लगाकर, इसे उपसर्ग लगाकर बना दिया दानवता। मानव, मानवता। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित शब्द का भाववाचक संज्ञा बनी, विद्वान, विधत्ता, शत्रु, शत्रुता। अभी हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। गुरु, गुरुता। नारी, नारीत्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। पुरुष, पौरस। युवा, यौवन। सज्जन, सज्जनता। मजदूर, मजदूरी। लड़का, लड़कपन। इस तरह से बनते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने की, जैसे सर्वे, सर्वे से। अपर्णा, अपनापन। निज, निजतव। स्वय, स्वतव। मम, ममतव। पराया, परायापन। हम बात करेंगे क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बन सकती है। पढ़ना, पढ़ाई। पूजना, पूजा। पहनना, पहनावा। दौड़ना, दौड़। पहनना, पहनावा। दौड़ना, दौड़। बुनना, बुनाई। भूलना, भूल। काटना, कटाई। कमाना, कमाई। सींचना, सिंचाई। सजना, सजावट। जीतना, जीत। थकना, थकावट। थकना, थकावट। मांगना, मांग। लूटना, लूट। इस तरह से चुनाव, चुनना। मांगना, मांग। इस तरह से हमने आपको बताया आप क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम विशेषण से कैसे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। होशियार, होशियारी। मुक्त, मुक्ति। चतुर एक विशेषण है, यानी किसी व्यक्ति की विशेषण है। चतुर, चतुराई। उदार, उदारता। मुक्त, मुक्ति। चतुर, चतुराई। उदार, उदारता। बूढ़ा, बुढ़ापा। खामोश, खामोशी। हिंसक, हिंसा। गर्म, गर्मी। कटु, कटुता। स्वस्थ, स्वास्थ्य। अच्छा, अच्छाई। सभ्य, सभ्यता। उदास, उदासी। प्यासा, प्यास। गंदा, गंदगी। निर्धन, निर्धनता। अमीर, अमीरी। इस तरह से हम विशेषण से बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा।
अब बात करेंगे हम अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। समीप समीपता, ऊपर ऊपरी, धिक धिक्कार, दूर दूरी, शिगर शिगरता, नीच निचाई। हम आपको बता दें, हमने आपको बताया आप कैसे अव्यय से बना सकते हो भाववाचक संज्ञा, हमने आपको बताया आप कैसे विशेषण से बना सकते हो, हमने आपको बताया कि कैसे क्रिया से, और हमने आपको ये बताया कैसे आप सर्वनाम से और जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हो भाववाचक संज्ञा। हम आपको बता दें हमारे आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन को थोड़ा बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम उपसर्ग लगा के जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। और भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा जिसे भाव दशा गुण कार्य का बोध हो, जिसकी गणना की ना किया जा सके, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में। थैंक यू।